नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल M4U में। आज का हमारा टॉपिक है, आखिर डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं या फिर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सभी डायरेक्ट सेलर के लिए ये वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का जो सबसे पहला कारण है वो यही है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत कम लागत की आवश्यकता होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह बिजनेस वेरी लो इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू की जा सकती है। इसके अलावा आज आपको दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी व्यवसाय शुरू करना है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो आप सभी बहुत ही कम लागत के साथ इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस काम को बिना एक्सपीरियंस के साथ भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप इसके अलावा दुनिया के किसी और क्षेत्र में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, तब जाकर आपको किसी छोटी मोटी कंपनी में जॉब मिलती है। लेकिन यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए जितने भी बेसिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है वह सभी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसे करके आप सभी इस व्यापार में सफल हो सकते हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, पब्लिक रिलेशनशिप, बिजनेस टेक्निक और बहुत सारी ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाती है। यह सभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत ही अलग बिजनेस बनाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी तरीके का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। मतलब कि आप यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार समय दे सकते हैं। यदि आपके पास में दिन के 2 घंटे भी टाइम बच रहे हैं तो आप उस 2 घंटे के अंदर इस व्यवसाय को कर सकते हैं, और यदि आपको हफ्ते में 5 घंटे का समय बच रहा है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बाकी काम के अलावा किसी भी तरीके का टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप बिल्कुल फ्री होकर के अपने समय के अनुसार काम कर सकते हैं। बाकी जॉब की तरह नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके पास किसी भी एरिया का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप यहाँ पर बिल्कुल आज़ाद होते हैं। आप देश के किसी भी कोने में रह करके या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहकर कर सकते हैं। आपका घर किसी दूसरे राज्य में है और आप करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। यह पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस व्यवसाय को कहां से करना चाहते हैं। MLM बिजनेस के अंदर आप अपना खुद के मालिक होते हैं। यहां पर आपको किसी के अंडर में रहकर दबाव के अंदर काम नहीं करना होता है। आप अपने हिसाब से दिन में 2 घंटे काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और यदि आप हफ्ते में 1 दिन काम करना चाहते हैं तो संडे के संडे भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है और किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है। आप जब चाहे, जहाँ चाहें और जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। यदि आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको वहाँ पर अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ता है और तब जा कर के उस काम में आप सफल हो सकते हैं। लेकिन MLM एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको बना बनाया रास्ता मिल जाता है।
जिस रास्ते पर चल करके आप इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको एक नदी पार करके दूसरी तरफ जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि किसी ने मेहनत करके 5 साल में या 10 साल में एक ब्रिज बनाया हुआ है, उस ब्रिज पर जाइए और चढ़ करके नदी को पार कर लीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद अपना ब्रिज बनाएं और इसे 10 साल का समय लगाएं और फिर नदी पार करें। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं या प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, वे प्रोडक्ट हजारों कंज्यूमर के द्वारा टेस्टेड होते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आप कोई और काम करते हैं तो प्रोडक्ट्स को मार्केट में टेस्ट करना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केट में हम टिक सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट पहले से ही ट्राइड और टेस्टेड होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि एक ऐसा इनकम जो आप काम करें या ना करें फिर भी आपको मिलती रहे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको कुछ हो जाता है और आप काम करने में असमर्थ रहते हैं तो भी आपकी इनकम पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी टीम काम कर रही होती है। यदि आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कई सारे एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको एम्प्लॉय रखने की आवश्यकता नहीं होती है, हर आदमी अपने लिए काम करता है। आपको इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार की लीगल वर्क की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह सभी काम कंपनी का मैनेजमेंट का होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बहुत ही कम समय के अंदर एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।